नमस्कार दोस्तों, आज जैसा आप सब जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सबको गणेश चतुर्थी उत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये उत्सव 10 दिन चलता है। आज जैसे आप आज अपने गणपति बिठाए होंगे अपने घर पे, और आज से ठीक 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं। और जो आप जैसा आप जानते हैं कि ये त्यौहार गणेश के जन्मोत्सव का त्यौहार है, पर मैं दो बातें आपको यहाँ बताना चाहूँगा। एक कि हमारे एक इसको हिंदू में कहते हैं पंचायतन व्यवस्था, इसको आप इंग्लिश में समझिए प्रोटोकॉल ऑफ गॉड, कि अगर किसी भगवान की मूर्ति है, जैसे अगर मान लीजिए कोई राम मंदिर है तो राम मंदिर में शिव जी की मूर्ति कहाँ होगी, कोई अगर शिव मूर्ति है, शिव मंदिर है तो दुर्गा की मूर्ति कहाँ होगी, या अगर आपके घर के आसपास कोई दुर्गा मंदिर है तो दुर्गा मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति कहाँ होगी। इसको हम पंचायतन व्यवस्था कहते हैं, और पंचायतन व्यवस्था के अनुसार हर घर में, हर मंदिर में, जहाँ भी जिस भी जगह को आप मंदिर कहते हैं, पंचायतन 5 भगवान होने ही होने चाहिए। बिना उन भगवान की मूर्ति के कोई भी मंदिर पूरा नहीं है। ठीक है, उसमें एक प्रधान देवता होते हैं, जैसे मैंने कहा कि शिव मंदिर है तो शिव प्रधान देवता है, लेकिन आप देखा होगा आप अक्सर मंदिरों में कि अगर शिव मंदिर है तो वहाँ राम की मूर्ति भी होगी, राम मंदिर है तो दुर्गा जी भी होंगी, तो पंचायतन व्यवस्था। लेकिन 5 भगवान के बिना कोई भी मंदिर पूरा नहीं होता, दैट वी कॉल प्रोटोकॉल ऑफ गॉड। और 5 भगवान कौन से हैं? सबसे पहले विष्णु, कि उसमें आप चाहे राम की मूर्ति लगाइए, चाहे कृष्ण भगवान जी की मूर्ति लगाइए, फिर दूसरे हैं शिव, शिव परिवार हो, शिवलिंग हो, किसी भी रूप में आप शिव जी की मूर्ति वहाँ रख सकते हैं। तीसरी है हमारी देवी दुर्गा, अब आप उनका दुर्गा रूप, लक्ष्मी रूप, सरस्वती रूप, किसी रूप में उनका रख सकते हैं। चौथे और पांचवे जो लोग कम जानते हैं, इसलिए मैंने ये बात आज चर्चा की, चौथे होते हैं सूर्य। सूर्य भगवान भी पंचायतन व्यवस्था में आते हैं, तो जब भी आप घर में मंदिर बनाए या कहीं भी मंदिर बनाए तो सूर्य भगवान की मूर्ति, सूर्य भगवान का यंत्र आप मंदिर में जरूर स्थापित करें। और पांचवे जो देवता है वो है आज जिनका आज जन्मोत्सव है, गणेश भगवान जी। तो बिना इन 5 देवताओं की मूर्ति या 5 देवताओं के यंत्र के कोई भी मंदिर पूरा नहीं होता। धीरे धीरे इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, और आपने देखा हमारे देश के पश्चिमी हिस्से में, महाराष्ट्र में, उधर में, वहाँ गणेश जी की पूजा का प्रचलन, सिद्धिविनायक मंदिर आपने देखा बॉम्बे में फेमस है, और हमारे देश के पूर्वी तट में उड़ीसा साइड में जहाँ सूर्य भगवान की पूजा ज्यादा हुई, जैसे कोणार्क का टेम्पल, पर असल में ये 5 भगवान होने चाहिए। तो आप आज जब भी कभी अपने घर में एक मंदिर स्थापित करो, देखें आपके मंदिर में कि कौन से भगवान की मूर्ति की कमी रह गई, उससे भी जरूर लगाएं और अपने मंदिर को पूरा करें। दूसरी बात, आज हमने गणेश जी बैठाए हैं, आज आपने बड़े उत्सव के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की है, और किसी ने 1.5 दिन के गणेश जी रखे होंगे, किसी ने 2 दिन के गणेश जी रखे होंगे, और बाद में हम उनका विसर्जन करेंगे। इतनी ताकत केवल हिंदू धर्म में है कि हम भगवान की मूर्ति लाते हैं और उससे कई ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मूर्ति का विसर्जन भी करते हैं। और इस पूरी समझ में, इस पूरे उत्सव में एक बात आपको समझाने वाली है कि जीवन अगर उत्सव है, अगर आप भगवान की मूर्ति लाए, आपके घर में आज बप्पा आए, तो जीवन एक उत्सव है, तो विसर्जन यानी मरण भी एक उत्सव है। और जिन्होंने इन दो छोरों को उत्सव मान लिया, जिसने अपने जीवन को उत्सव मान लिया, जिसने अपने मरण को उत्सव मान लिया, उसकी पूरी जिंदगी ही उत्सव हो जाएगी। तो ये हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हम जितने हर्षोल्लास के साथ, ऐसे ही हमारे अभी नवरात्र में दुर्गा जी की मूर्ति के साथ भी होगा, और हर बार हमारा जो हर्षोल्लास है, हमारी जो मूर्तियों की लंबाई है, जो हमारी मूर्तियों की भव्यता है, वो पहले से ज़्यादा बढ़ती है। हम ये नहीं सोचते कि अगर विसर्जन नहीं करना है तो फिर बड़ा बना के क्या फ़ायदा, अच्छा बना के क्या फ़ायदा, हम पिछले साल से और अच्छी बनाते हैं। और वही हमारे जन्म है कि हर बार हम जन्म लेते हैं, हर बार हमारा जीवन खिलता है, फिर हमारा मरण होता है, फिर हम नए जीवन में प्रवेश करते हैं, फिर हमारा जीवन खिलता है। तो वही जो ये विसर्जन का जो तत्व है वो दिखाता है कि जीवन और मरण दोनों उत्सव हैं, और इनको जो बीच की परिधि है, जो आपकी जिंदगी है, वो भी उत्सव है। तो उत्सव मनाएं। मैं भगवान गणेश जी को प्रणाम करते हुए विराम देता हूँ। धन्यवाद।